इस वीडियो में हम मोबाइल सॉफ्टवेयर आईसी के बारे में जान लेते हैं, जिसे कई बार ईएमएमसी भी कहा जाता है। ईएमएमसी का पूरा जो नेम है वो है कि एम्बेडेड मल्टीमीडिया कार्ड, मतलब कि एक ऐसा मेमोरी कार्ड जो कि परमानेंटली बॉल्स के माध्यम से किसी मदरबोर्ड से फिक्स रहता है। जैसा कि जो हमारा मेमोरी कार्ड होता है, मेमोरी कार्ड जो है रिमूवेबल स्टोरेज है, मतलब कि वो किसी भी स्लॉट में लगा के दोबारा से रिमूव किया जा सकता है। बट जो ये आपका ईएमएमसी चिप है, ये परमानेंटली बॉल्स के माध्यम से मदरबोर्ड में फिक्स रहता है, और ये एक एसएमडी कंपोनेंट्स है जो कि एसएमडी या बीजीए मशीन से ही निकाला जा सकता है, वो भी ख़राब होने पर या रिप्लेस करने पर। तो कई बार रिप्लेस करने पर जो है, कई बार जो रिप्लेसिंग के लिए सेम नंबर की परफेक्ट आईसीयां भी नहीं मिल पाती हैं, या सेकेंडरी बोर्ड की हम लगाते हैं तो कई बार वो सपोर्ट भी नहीं करता है। तो इसलिए ज़्यादातर यही माना जाता है कि इसके ख़राब होने के बाद हम पीसीबी को एक्सचेंज ही कर देते हैं, उसे रिबॉल करके दोबारा भी लगाया जा सकता है। पर कई बार ऐसा होता है कि हमने रिबॉल किया और प्रोग्राम भी किया, उसके बाद भी जो है प्रोग्राम होने के बाद भी जो हमारा हैंडसेट डाउन नहीं हुआ तो हमारा समय भी बर्बाद हो जाता है। इसलिए जो है हम इतना डीपली वर्क नहीं करते हैं, और यदि आप करना चाहें तो कर भी सकते हैं। ईएमएमसी रिप्लेस करके आप उसे रीप्रोग्राम करके हैंडसेट को दोबारा भी ऑन कर सकते हैं। किसी ईएमएमसी चिप के अंदर लॉजिकली दो पार्टीशन होते हैं, एक रैम का पार्टीशन होता है और एक रोम का पार्टीशन होता है। तो जो रोम का पार्टीशन है वो प्रोग्रामेबल है, मतलब कि रोम वाले पार्टीशन को आप प्रोग्राम कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं या दोबारा से रीइंस्टॉल कर सकते हैं उसके ऊपर जो सॉफ्टवेयर है। पर जो रैम है, वो रैम का जो पार्टीशन है परमानेंटली बनाया जाता है पार्टीशन, उसे ना ही तो आप रिसाइज कर सकते हैं ना हटा सकते हैं। वो एक आईसी में दो कंपोनेंट कंपार्टमेंट रहते हैं, एक रोम का और एक रैम का। तो अब हम इसके रिसाइजिंग की बात कर लेते हैं। तो जैसा मैं एक आपको एग्जांपल दूं कि जैसा किसी हैंडसेट में 1 GB रैम है और 8 GB रोम, तो यहाँ हम उसकी रैम और रोम को बढ़ा नहीं सकते। ना तो 1 GB रैम को हम 2 GB रैम कर सकते और ना ही 8 GB रोम को हम 16 GB रोम कर सकते, क्योंकि ये कंपनी का जो चिपसेट आर्किटेक्चर है वो इसी को 1 GB रैम और 8 GB रोम को और सपोर्ट करता है, इसीलिए कंपनी ने इसमें यही चिप लगा के दिया हुआ है। मतलब कि जो कंपनी से आया हुआ कॉन्फ़िगरेशन है रैम और रोम का, वो हम चेंज नहीं कर सकते हैं। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि जैसे मान लीजिए ये चीज़ ज़रूर चेंज हो सकती है कि मान लीजिए आपका जो ईएमएमसी चिप है वो स्काई हेरिक्स का लगा है, एक एग्जाम्पल में बात करूँ तो आप सैमसंग की लगा सकते हैं सेम की। जैसे मान लीजिए यदि उसकी बॉल्स जो अंदर के कॉन्टैक्ट पिन है, बॉल्स हैं वो सेम है, तो आप स्काई हेनिक्स की जगह आप सैमसंग का लगा सकते हैं, वो भी सेम कॉन्फ़िगरेशन का, 1 GB रैम और 8 GB रोम वाला ही लगा सकते हैं। यदि पहले वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है सेम, वही कॉन्फ़िगरेशन बाद वाले आईसी में भी एप्लीकेबल होगा यदि उसके बॉल सेम है तो, अदरवाइज ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं है। हम जो है मेमोरी हैंडसेट की मेमोरी के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, नहीं तो हमारा जो हैंडसेट है वो हमेशा के लिए ब्रेक्ड हो सकता है, ये दोबारा चालू भी नहीं हो सकता। तो आइए हम यह भी अब जान लेते हैं कि कौन कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जो कि एमएमसी चिप बनाती हैं और जिनकी मोस्ट ऑफ चिप जो है हमारे स्मार्टफोन्स के बोर्ड में लग के आती हैं, स्मार्टफोन हो या फीचर फोन हो, तो देख लेते हैं। तो जो ईएमएमसी चिप के मैन्युफैक्चरर हैं, ये 4-5 कंपनियां ही मुख्य रूप से ईएमएमसी चिप बनाती हैं, जैसे हमारा स्काई हेनिक्स हो गया, सैमसंग हो गया, एलपीडिया हो गया, तोशिबा हो गया, सैनडिस्क हो गया, माइक्रोन हो गया। तो ये सभी कंपनियां ज़्यादातर मोबाइल फ़ोन की ईएमएमसी चिप बनाती हैं। इसमें इंटीग्रेटेड रैम और रोम दोनों पार्टीशन मिक्स करके होते हैं। तो जो इनमें सबसे ज़्यादा सेलिंग का रेशियो है, मतलब ज़्यादातर स्मार्टफोनों के साथ आपको इसके हेनिक्स देखने को मिलेगी, लगभग 60% जो स्मार्टफोन है उनमें इसके हेनिक्स मिलेगी। फिर उसके बाद आपको सैमसंग देखने को मिल सकती है, तोशिबा देखने को मिल सकती है, और कुछ जो लो कॉस्ट के हैंडसेट आते हैं काफ़ी सस्ते हैंडसेट, तो उनमें माइक्रोन या एलपीडिया की भी मिल सकती है, और जो मिडिल रेंज के कुछ एकाध हैंडसेट हैं उनमें सैनडिस्क भी मिल सकता है।
पर जो यहाँ अच्छी क्वालिटी वाइज यदि हम बात करें, सबसे अच्छी क्वालिटी के जो एएमएमसी चिप्स हैं वो हैं तोशिबा और सैमसंग की। और स्काई हेनिक्स में बता दूं कि इसका सबसे बड़ा बैक ड्रॉ ये है कि जो बहुत सारे आपने ऐसे के सुने होंगे कि सॉफ्टवेयर करने पर बहुत सारे हैंडसेट बंद हो जाते हैं, तो उनमें आप यदि एनालिसिस करेंगे तो देखेंगे तो ज़्यादातर वही हैंडसेट सॉफ्टवेयर मारने पर बंद होते हैं जिनकी चिप जो है स्काई हेनिक्स होती है। सैमसंग की जो एमएमसी चिप है, तोशिबा की एमएमसी चिप यदि किसी हैंडसेट में लगी हुई है तो सॉफ्टवेयर करने से वो बहुत ही कम रेयर है चांस है कि वो हैंडसेट जो है सॉफ्टवेयर करने से बंद हो जाए। आप ना कहिए कि यदि आप हमने खुद ही गलत वर्जन का सॉफ्टवेयर मारा है या जो जिसका सॉफ्टवेयर है ही नहीं उसको मार दिया है या गलत प्रोग्राम फाइल आपने चढ़ा दिया है तो वो हैंडसेट डेड हो सकता है, यानी कि यूज़र की ही गलती से डेड हो सकता है। अदरवाइज तोशिबा और ईएमएमसी के चिप जो हैं, सैंडिस्क की चिप भी तीसरे नंबर में अच्छी क्वालिटी की मानी जाती है, पर जो पहला नंबर है वो सैमसंग और तोशिबा का ही है। और जो एसके हैनिक्स है वो इतनी रिलायबल नहीं है, पर चूंकि इसकी कॉस्ट लो है इस वजह से ज़्यादातर हैंडसेटों के साथ यही लग के आती है। तो इनको जो पहचानना है तो इनको देखने के लिए आपको जब आप बोर्ड ओपन करेंगे उसके बाद ही आपको पता चल पाएगा। यदि आप गूगल पर सर्च भी करते हैं किसी मॉडल की मेमोरी के बारे में तो वो सर्च नहीं होगा, वो सिर्फ यही शो करेगा कि 1 GB रैम या 2 GB रैम या तो फिर 8 GB रोम या 16 GB रोम। वो जो उसके अंदर एमएमसी चिप लगी है उसके बारे में नहीं बताएगा। उसके बारे में यदि आपको जानने के लिए हैंडसेट को खोलना ही पड़ेगा, और जब आप खुद ही चिपसेट देखेंगे नहीं मदरबोर्ड देखेंगे तो आपको खुद ही ऐसे कुछ कंपनियों के नाम लिखे हुए मिल जाएंगे उस चिप के ऊपर, तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि ये एमएमसी चिप है, ये प्रोसेसर या सीपीयू नहीं है। तो जो हमेशा बोर्ड में हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये एमएमसी चिप है प्रोसेसर नहीं है, तो जब आपको ऐसे नाम मिले माइक्रोन, एलपीडिया, तोशिबा, सैमसंग, सैंडिस्क, स्काई हेनिक्स, तो आपको तुरंत समझ जाना है कि ये रोम चिप है या एमएमसी चिप है। सॉफ्टवेयर चढ़ाते समय यदि कोई एमएमसी चिप मान लीजिए फेल हो जाती है, एग्जाम्पल में बात करूं, तो उसको फिर दो ही तरीके से मतलब सही किया जा सकता है। या तो आप उसे रिबॉल करके लगाइए, तो यदि वो रिबॉल करने के बाद प्रोग्राम होने लगती है तब तो अच्छी चीज़ है। यदि प्रोग्राम रिबॉल करने के बाद भी सही काम नहीं कर रही, आईसी मतलब प्रोग्राम नहीं हो रही या हैंडसेट को ऑन नहीं कर पा रही, तो उस कंडीशन में हमें एमएमसी चिप को रिप्लेस ही करना होता है। पर ज़्यादातर ऐसा होता है कि सेम नंबर की जो एमएमसी चिप है वो मिल ही नहीं पाती, इस वजह से फिर हमें बोर्ड को ही चेंज कर देना पड़ता है। तो धीरे धीरे जब आप सॉफ्टवेयर करेंगे या कई बार हैंडसेट को खोलेंगे पैक करेंगे तो आपको खुद ही इतना अनुभव हो जाएगा कि किस हैंडसेट में कौन सी आईसियां लग के आ रही हैं। और यदि मैं बात करूँ स्काई हेनिक्स की, तो यह ज़्यादातर माइक्रोमैक्स के हैंडसेटों में ही ज़्यादातर मिलती है, और जिस जिस में ये मिलती है उसमें ज़्यादातर अच्छे खासे हैंडसेट, पूरा हैंडसेट का बोर्ड सही है, पर सॉफ्टवेयर मारने पर बहुत से हैंडसेट है ऐसे केस हैं जिनमें इसके हैनिक्स की वजह से, सिर्फ इसी आईसी की वजह से मोबाइल फोन पूरा बंद हो जाता है। तो यहाँ आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप हमेशा सही फर्मवेयर मारेंगे तो बंद नहीं होती, और हमेशा आप सिक्योरिटी से फर्मवेयर मारें, मतलब कि कोई भी अनाप शनाप फर्मवेयर, कोई भी वर्जन ऐसा ही यूज़ नहीं करें। पहले आप वेरीफाई कर लें नेट के माध्यम से, या भी आपके जो भी जानकार दोस्त हैं उनके माध्यम से, या तो फिर यूट्यूब या और भी जो नेटवर्क है जिनके माध्यम से हम इसे वेरीफाई कर सकते हैं। तो पहले आप फ्लैश करने के पहले वेरीफाई कर लें, उसके बाद ही आप इसे फ्लैश करें। तो इस वीडियो में हमने एमएमसी चिप के बारे में जाना जो कि एक मोबाइल की सॉफ्टवेयर आईसी होती है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। थैंक यू वेरी मच।